गलती है। मैं माता जो हूँ जो इसमें आया हूँ। और अभी रूल ऐसा हो गया ना, अगर तुम गाड़ी विदाउट लाइसेंस हेलमेट पेपर के चला रहे हो ना, तो पूरे महीने की पेमेंट तुम्हें जेब में ले जाना जरूरी है। और अगर तुम इसके साथ बल्ली घुमा रहे हो ना, फिर तो भाई तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी जायदाद सारी संपत्ति उनके हवाले करनी ही पड़ेगी, क्योंकि उस टाइम पे पुलिस ही सर्वशक्तिशाली इकलौता भगवान। जिन जिन लोगों ने 10th या 12th कंप्लीट कर लिए, मैं कह रहा हूँ सिविल सर्विस का एग्जाम दे दो और किसी चौक पे ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटी पे लग जाओ। एनुअल 50 लाख तो फिक्स है। इसमें एक प्लस पॉइंट भी ये कि क्या पता तुम्हारी एक्स मिल जाए, फिर तो तुम उसका चालान काटो, लाखों में काटो। और लड़कियाँ तुम भी अपने एक्स का बिंदास काटो, लाखों में काटो और वीडियो बनाओ। अमित का काटा, ललित का काटा, पुरित का काटा, ये रोहन का काटूंगी, रौनक का काटूंगी, गौरव का भी काटूंगी। हमारे गवर्नमेंट इतना चिल है ना, बैठे बैठे रूल्स बनाते रहते हैं। गांव में सड़कें नहीं बन रही है, सिटी में खड्डे पड़ रहे हैं, वो नहीं बनेंगे, पर लाइसेंस नहीं तो 5,000 फाइन। वाह, सामने वाला अगर महीने के 10,000 कमाता हो ना, उसका कुछ नहीं सोचेंगे, हम तो खोल के चालान फाड़ेंगे साथ में। अब तो सड़कों में गाड़ी चलाना ही मुश्किल हो गया है, क्योंकि अगर तुम अभी सड़कों में गाड़ी चलाओगे ना, तो पुलिस वाले चले रुके साइड में ले। पर सर, अबे बोलेगा साइड में ले। ओके सर, लाइसेंस है? नहीं। पेपर्स? नहीं। हेलमेट भी नहीं दिख रहा, सॉरी सर भूल गया। इस हिसाब से तो मैं कमा चुका हूँ पूरे 5 करोड़। अब बात ये है कि माना लोग को लाख समझाने के बाद भी लोग लाइसेंस नहीं बनवाते, क्योंकि 100 रुपए में काम हो जाता था। पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि हर चीज में चालान बना दो, वो भी 5,000 के। ऐसा हो ही नहीं सकता, बंदा हर टाइम जेब में लाइसेंस गाड़ी के पेपर लेके घूमता रहेगा। सोचो उनका क्या होगा जो 20 रुपए का पेट्रोल डालकर गुजारा करते हैं, उनका क्या होगा जो स्टारबक्स को देख के रोड साइड पे 15 रुपए की कॉफी पीते हैं। गवर्नमेंट को कोई समझाओ यार, इधर हमारी माँ चुदी पर ही है, बता रहे हो करे कहाँ से लाएंगे इतना पैसा। तो आज के लिए बस, अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो, और नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलना। थैंक यू कि उसको लाइफ में मेरे भेजा था कभी। पेन और इनसिक्योरिटी से भर गई थी जिंदगी, कोई नहीं था विद मी, पर स्टिल नो प्लान बी। लव यू कमिनी फॉर मेकिंग मी कवि, शायद इसलिए अच्छी कर लेता हूँ पोएट्री, क्योंकि भरी है मेमोरियों मेरी डिक्शनरी। वो जो लड़का लिख नहीं पाता था ढंग से ABC, आज रैप करता है इजिली, गॉट इट सो फनी। अब जब नहीं मिलता है हल और मैं करता हूँ स्ट्रगल, हर पल हर चलो लाइफ में उथल पुथल, याद करके विजुअल जब मात इन हॉस्पिटल। थैंक यू बोल के बैठ जाता हूँ घुटनों के बल।